महानगर में अवैध टैक्सी स्टैंडों और धड़ल्ले से चल रहे बिना परमिट के ऑटो के खिलाफ पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने अभियान चला रखा है, जिसके तहत पुलिस ने बुधवार को शास्त्री चौक पर कार्रवाई करते हुए कई ऑटो रिक्शा का चालान कर दिया और मैजिक वाहन को भी उठाकर पुलिस यार्ड में पहुंचा दिया। इस संबंध में एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि शास्त्री चौक पर अवैध रूप से स्टैंड चल रहा था और बिना परमिट के गाड़ियों की वजह से वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी को देखते हुए कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा, शास्त्री चौक पे प्रेस क्लब के सामने ये टाटा मैजिक और टेम्पो का एक स्टैंड है जो कि अवैध स्टैंड है, और वहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि ये लोग यात्रियों के साथ पत्ती भी कसते हैं और स्टैंड का जो संचालन वो भी अवैध तरीके से है, और वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते थे रोड पे प्रेस क्लब के सामने, वहाँ जाम भी लगता था। कल से अभियान शुरू किया गया, वहाँ से गाड़ियाँ हटाई जा रही हैं, गाड़ियाँ सीज की जा रही हैं। आज भी वहाँ से 3 टाटा मैजिक गाड़ी हटा के सीज कराई गई है और अभियान लगातार चलता रहेगा। हाँ, धीरे धीरे हर जगह हुआ, यहाँ पे शिकायत आ रही थी, ये कार्रवाई और शिकायत पेश की गई है। यहाँ पे कुछ शिकायतें ज़्यादा मिल रही थी यात्रियों के साथ बदसलूकी की भी, और काफ़ी जाम लगता था यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने।